नीतू इतनी ज्यादा डरपोक है ना। कैसे बहन? नमस्ते। 200 गज का पूरा प्लॉट लेके चलते हैं। कुछ करूंगा, कुछ मरूंगा, यहीं रहूंगा। अब मैं नुकसान कर दिया ना। मेरा बेटा 6 से 7 दिन में घर आ गया और सीधा पहुंचेंगे चंडीगढ़। इतना करो कि आदमी अपने औकात ना बोले। अनजान का घर दो, अपनों को मत करना जिंदगी में, याद रखना। हमेशा तुम्हारे पीठ में खंजर घोपेंगे। हां, लठ गाड़ देंगे भाई साहब। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भी आज की शुरुआत हो रही है हमारी। यहां पे चल रहा है फुल जबरदस्त खाना वाना और मम्मी पीछे है, पापा जी पीछे। पापा खाना कम और मिठाई ज्यादा खाते हैं, देखो डब्बे देखो सामने। इसीलिए मैं मोटा होता जा रहा हूँ। नहीं नहीं, देखो फादर साहब जो होते हैं ना, वो हेल्दी अच्छे लगते हैं। तो अभी भैया हम कर रहे हैं R&D कैमरे की, वॉइस पे, क्वालिटी पे, पिक्चर क्वालिटी पे। मुझे तो भैया बहुत ही कमाल की लगी थी, क्योंकि जब मैंने लखन भाई का ब्लॉग देखा था तो मैंने बोला भाई ये कैमरा कहाँ से लेके आया। भाई ने बताया हमने लिया। आप बताना कमेंट करके कि आपको वॉइस की क्वालिटी लग कैसे रही है। खासतौर से भाई वॉइस की क्वालिटी, मैं क्योंकि इस माइक का पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ। और सबसे पहले तो मुझे देखने की इसकी क्वालिटी कैसी आ रही, क्योंकि मुझे भी सेम यही वाला माइक खरीदना है फिर अपने लिए। तो लखन भाई बाहर चले गए घूमने? सुपर एक्साइटेड। चलो तो गाइस, अभी ना एक बात का खुलासा हुआ, शायद ये बात लखन भाई ने शायद किसी को नहीं बताई और मुझे भी बताने के लिए मना किया, पर मैं आपको बता देता हूँ। नीतू इतनी ज्यादा डरपोक है ना। लखन भाई बताओ कितनी डरपोक है। अरे भाई यार, ये अकेली ना, ये अपने कपड़े भी चेंज नहीं कर सकती। इसको अगर वॉशरूम भी जाना होता है ना, इसको डर लगता है अकेले। इसको पता नहीं क्यों, इसको क्या फोबिया है। तुझे ऐसा लगता है भूत आ जाएंगे। अच्छा जी, तो नीतू ये सच है? अरे सच भैया। तो आज भैया हमारी बहन बहुत खुश है, और अगली बार जब भी हम दिल्ली पहुंचे तो मैं गोलू, जैद, तूबा, अयान और सारे चीजों पूरी फैमिली को यहीं लेके आने वाला हूँ। 19 तारीख को आ रहे हैं चंडीगढ़। उसके बाद जाने की बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज है ना भाई। हाँ बिल्कुल, हम लोग भी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं। तो लखन भाई पिछले 2 घंटे से कैमरों के पीछे लगे हुए हैं। भाई मुझे ये चीज मिलकर बड़ा सुकून मिलता है जब हाथ में आ जाती है ना, मजेदार। इस टाइम तो ये कैमरा देख के मुझे इतना प्यार आ रहा है इस कैमरे पे। सेम कैमरा भाई के पास भी है, पर क्या था ना कि भाई हम आईफोन नया लेते हैं, जो पुराना हो जाता है, 1-2 दिन भी पुराना हो जाता है तब भी वो अच्छा लगता है ना। क्या क्वालिटी आ रही है इसकी यार, आप जबरदस्त है। वाओ, अच्छा आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो, अब तो YouTube में नया फीचर है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, जूम इन है ना। हाँ। तो आप इसको पिंच करो और आप देखो कि इसके पिक्सल नहीं फटेंगे जो इस कैमरे शूट हो रही है वीडियो। एक बार आप करके देखो। तो गुची इतनी छोटी सी आई थी मेरे सामने और अब ये तूबा जितनी बड़ी हो गई है। हेलो गुची, तो तूबा जब भी बाहर किसी नई जगह पे आती है ना, थोड़ा सा रोना पिटना शुरू कर देती है। यहाँ भी यही कर रही है। मम्मी टाइम देखना है, 12 बज रहे हैं, सुबह चलना भी है ना, घर चलना है ना। चुप हो जाओ जल्दी से। इसने पूरे रास्ते सोने नहीं दिया क्योंकि ये तकियों पे सोने की आदत है। तो पूरे आगे वाली सीट पे तकिए लगे हुए थे 2, वहीं पसरी हुई थी, मैं साइड में बैठी। इसको नाइट सूट पहना देना बाहर। नाइट सूट नहीं, ये एसी ना थोड़ा तेज चल रहा है इसलिए मैंने ये पहनाया। इसे अनकम्फर्टेबल हो रही है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। कपड़े चेंज कर दो बेटी के। क्या कर दो? ठीक है कर दो। तो गाइस आप लोगों के आशीर्वाद से जैद घर पहुंच गया है और अभी उसकी तबीयत ये लगा 90% ठीक है, 10% उसको स्टिचेस हैं, वो थोड़ा हील होने में टाइम लगेंगे। और बस आप ऐसे ही दुआएं करते रहे कि बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाए और किसी भी बच्चे को ये वाली तकलीफ ना हो। सही बोला था ना मैंने? बिल्कुल सही कह रहे थे। हां जी, अब थोड़े हैप्पी फील कर रहे हो? क्या हो गया बेटी, सो जाना यार, थके हुए पापा ने गाड़ी चला चला के। नहीं सो तो नमक और राइस एक बार नजर उतार देख ले। तो हम रूम में कर रहे हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और ये सुबह सोने का नाम ही नहीं ले रही बिल्कुल ही। क्या लग रहा है पायल, क्या हो रहा है इसको? मुझे नहीं पता इसे क्या हो रहा है। देखो पेट में दर्द वगैरह तो नहीं है, अगर पेट में दर्द हो जाता तो बाबू का हो गया। सुबह सो जा बेटी। ओम बाबू का हो गया, सो जा यार। रुक तो ले चलूं क्या? केमिस्ट्री तो नहीं पता, मैं पूछ लेता हूं। क्या लेके आना बता? कोलिकेट लेके आनी है और रोल ऑन लेके आना है, अगर पेट दर्द हुआ तो वो चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं बेटी। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हो गया हूँ बिल्कुल रेडी निजामुद्दीन दरगाह के लिए। तो बस अभी निकल रहे हैं, सामान वामान पूरा पैक कर लिया हमने, तो भैया निकलने की तैयारी। हमारी सरकार उठ चुके हैं। कैसे बहन? नमस्ते। तो भैया यहाँ आके एक चीज जरूर सीखी मैंने, टाइम पे सोना टाइम पे उठना। मतलब रात को 10 बजे सब सो गए थे। देखो घर में कितने भी रिश्तेदार आए, बाहर वाला आए, अंदर वाला आए। नहीं नहीं बेस्ट ही नहीं, मजा आया मुझे भगवान के साथ। पिछली बार भी मैंने ये बात करी थी, टाइम टेबल होना चाहिए इंसान का। देखो
देखो हम मिल लिए, हम 5-10 घंटे बैठे हुए थे, पर ना नीतू को 10 बजे नींद आ जाती है, और होना भी चाहिए, 10 बजे सारी लाइटें बंद, सब साइलेंट, और सुबह 6:30 बजे सारी सफाई हो रखी थी, बहुत बड़ी बात है नहीं पायल। तो हमारा तो क्या ना शेड्यूल इसलिए खराब है ना, ये बच्चे नहीं सोने देते, रात को इसने कम से कम भी 2-3 घंटे में परेशान किया, हम 12:30 बजे सोए थे, फिर मैंने एसी कम किया, पंखा कम किया, मतलब बीमार ना हो जाइए, मेरी शिकायत। तो बस गाइस निकल रहे हैं हम लोग, और फटाफट दर्शन करके निकलेंगे वापस घर के लिए, क्योंकि गोलू और बच्चे घर पे हैं, तो हमारा होना जरूरी है। ठीक है दादा, मिलते बहुत जल्दी, ध्यान रखो, बाय बाय। चल ठीक है नीतू, कब आ रही है फिर? जल्दी, बहुत जल्दी, बाय कर दो, बाय बाय टूबा। तो रात को भैया 250 ग्राम रसगुल्ले हमने लिए थे, और सारे ना ये लड़का खा गया और इसके फेवरेट है, और पूरी रात रात में 250 ग्राम खा गया, देखो बिल्कुल भी कैलोरी नहीं बढ़ता ना इसका फैट बढ़ता, पता नहीं कैसी बॉडी होती है, और कई लोग ना पानी भी लेना तब भी मोटे हो जाते हैं सूरज। बिल्कुल सही बात है, मैं मीठा मीठा किसी में परहेज नहीं करता, सब जो मिले खा जाओ। लखन भैया इतना प्यार करते हैं कि हमारे लिए सैंडविच पैक करके दिए, रास्ते में कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना, अरवान भाई सैंडविच पैक करके दिए, यही खाने हैं। लखन भैया से तो मिल ही चुकी थी और फोन पे बात होती थी बस, लेकिन अच्छा लगा मिलके, और उन्होंने मेरे को बहुत ही टेस्टी अचार दिया है गाइस। तो अचानक से ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ गया है ना यहाँ पे, पूछो मत, मतलब निजामुद्दीन यहाँ से है 15-20 मिनट का रास्ता, और अभी हमारे मैप में दिखा रहा है 1.25 घंटा, जब हम घर से चले थे ना ये लगा लो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, और एकदम लग रहा है कि जॉब वॉब वाले होते ना अपने भाई जितने नौकरी वाले, उन्होंने इतना ट्रैफिक कर दिया, कुछ बारिश भी हो गई है, और बस भी इतनी बड़ी बड़ी है, पूछो मत, सोचो कि 200 गज का पूरा प्लॉट लेके चलते हैं, पूरा ट्रैफिक हो गया यहाँ पे। तो बस हम पहुँचने वाले हैं दरगाह, और जल्दी से जियारत कर लेते हैं जैद के नाम की, और निकलते हैं घर के लिए। ओ बेटा, भाई के लिए हम जियारत करने आए हैं, बॉय लिए हम ब्रेकर नहीं आए। तो ये है दिल्ली का सबसे पुराना रास्ता, और ये रास्ता जाता है सीधा जमुना पार, और पीछे हमारी बेटी रो रही है, वो चुप नहीं हो रही, क्यों रो रही है पता नहीं इसको क्या हो रहा है। तो इसको ना यहाँ से ऐसे रोशनी आ रही थी, इतना परेशान करी थी मुझे, इतना परेशान करी थी, तो मैंने इसके ड्राई शीट को बना दिया पर्दा। और गाइस सीरियसली मतलब अयान और जैद को ना सैल्यूट है, वो जब ट्रेवल करते हैं ना तो इतना परेशान नहीं करते जितना ये चिरमट्टी करती है। तो अभी मेरी मंदीप भाई से बात हुई है, और वो निकल चुके हैं गाँव से और आने वाले मेरे पास, और यहाँ से हम सीधा जाएंगे चंडीगढ़, और उसके बाद बहुत सारी भैया जबरदस्त कॉमेडी, और जो हम पहले वीडियोस बनाते स्क्रिप्ट वाली वो बनाने वाले हैं, तो आपको कंटिन्यू दिखने वाली है वो चीज़ें, और थोड़े दिन बाद एक गाना आने वाला है मेरा, उसके बाद 10 दिन बाद एक और गाना, मतलब जो अभी मैंने शूट किए थे पीछे जो गाने वो हम कंपनी को दे चुके हैं, और कंपनी से ही रिलीज होने वाले। तो गाइज आप लोगों की दुआ और प्यार से ज़ायद बिल्कुल ठीक है, वो अभी घर आ चुका है, और शायद आपने पहले वाला ब्लॉग देख भी लिया होगा, क्योंकि मैं अभी निजामुद्दीन 2 मिनट में पहुँचने ही वाला हूँ। तो बारिश खत्म हो गई है निजामुद्दीन में, शायद बारिश की वजह से भीड़ ना हो, अगर भीड़ हुई बिना मास्क हम अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आज मेरे साथ पायल भी है, तूबा भी है, सूरज भाई भी है, थोड़ा सा हम थोड़ा फास्ट भागे, तूबा को लूंगा मैं, और सूरज भाई फटाक से सीधा निकल ले है ना। तो जब मैं हरियाणा रहता था ना सूरज, तो मेरे खातिर ना उन्होंने वाले दिल्ली बहुत दूर होया करती, बहुत दूर, मतलब जिस टाइम मैं पहली बार उड़ा दिल्ली से उड़ा आया था हीरागढ़ी, तो 63 रुपए किराया था, और मेरा दोस्त था जैकी, शायद आज वो वीडियो देखे तो बताए, तो वो था देहरादून, और मेरी दादी ने मेरे को 2000 रुपए दिए थे, वो मैंने अपने रखे हुए थे साइड में, भाई खर्च ना हो जाएगा हम का, और वो बोला 2 दिन बाद आऊंगा मैं। तो पीरागढ़ी ये सामने एक पार्क था बिल्कुल सामने, वहां मैं 2 दिन सोया कि वापिस जाऊंगा, 63 रुपए और लगे फिर 63 आने जाने की, और मैं जब अब हरियाणा छोड़ के आया ना तो मैं वापिस नहीं जाऊंगा भाई, कुछ करूंगा कुछ मरूंगा यही रहूंगा। फिर मेरा दोस्त है जैकी, अभी थोड़े दिन पहले मेरे भाई का फोन आया था जैकी का, जिसने मुझे काम सिखाया था, लाइन में मैं था पहले, तो वो थोड़ा परेशान चल रहा है, मैंने बताया उसको कोई बिजनेस शुरू कर ले ऑनलाइन, मेरी जो मदद चाहिए हमेशा है तेरे लिए, वो भी अभी 2-4 दिन में आने वाला, उससे मिलवाऊंगा। तो मुझे दिल्ली जब मैं आया था तो 5-7 साल किन के टच में था, हम कैसे रहते थे, वो चीजें किसी दिन मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। उसके बाद मैं और सूरज देहरादून रहे 2 साल, देहरादून में घूमते रहते थे, नदी में नहाते रहते थे, गंगा जी में नहाते रहते थे, बहुत सारी मस्ती करी एक साथ है ना, काम भी बहुत किया आपने। तो गाइस फाइनली हम लोग जो है पहुंच चुके हैं निजामुद्दीन दरगाह के बाहर, बस अभी अंदर जाते हैं, नांदनी ले लिया है यहाँ पे तूबा को, इन्होंने कहा कि मैं तूबा को संभालता हूँ, तू चल आगे आगे, क्योंकि ना मेरी कमर में रात को इतना ज्यादा दर्द हो गया था, इतना ज्यादा दर्द हो गया था, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि तूबा रात को सोई नहीं, उसको घुमाती रही तो बहुत ज्यादा मेरे को पेन हो गया था। तो उन्होंने कहा कि मैं संभाल लेता हूँ, तू चल आगे, मैं आगे आगे चल रही हूँ, मैंने पीछे देखा ही नहीं कि अरमान जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो गाड़ी उठाने वाले आ गए ना, अच्छा कमेटी वाले उसको देखने लग गए थे। तो वहाँ जो गाड़ी हम लगाते हैं वो तो पार्किंग होती है ना, उसको तो पैसे लेते हैं, रोड पे ना, तो फिर वो पैसे क्यों लेते हैं।
से, वो तो ऐसे रोड पे चलते हुए लेते हैं ना, वो कोई परमानेंट पार्किंग नहीं है। अच्छा अच्छा, वो ऐसी सेफ्टी कर लेते हैं कि गाड़ी खड़ी है तो हम सेफ्टी कर लेंगे ना। ठीक है, वो नहीं आए अभी तक भैया? अरे गाड़ी उठा लेते, गाड़ी साइड खड़ी करने गए। अच्छा, हमने नुकसान कर दिया ना, इसका पैसे भाई करा दिया। मेरी थोड़ी गलती है, पीछे मैंने ऐसे लगा रखी थी कमर पे, गिर गया पीछे। अब मैं कहां से लूं इसके लिए पैसे भाई? मेडिकल है, बहुत सारे उसे बॉइल करना पड़ता है, बिना बॉइल करे थोड़ी दे दूंगी मैं। लेके फिर किसी चाय वाली दुकान पे करा दूंगा बॉइल। अभी मम्मी के घर जाएंगे ना, मम्मी के यहाँ से बॉइल करवा लेंगे। बोल दे फिर मम्मी को लेकर रख ले। हाँ मम्मी को बोल देती हूँ, पैसे फाइल लेके उन्होंने बॉइल करके दे दी। तो ठीक, 1.5 साल पहले हम लोग यहाँ पे आए थे और हमने यहाँ पे ना दुआ मांगी थी कि हमारी गोद भर जाए, और देखो गोद भी भर गई, 3-3 बच्चे हमारे घर पे भी आ गए, और हमारा जैद जो है वो आईसीयू से बाहर आके घर तक पहुँच गया है। और हमने दुआ मांगी थी जैसे ही वो घर पे आएगा ना तुरंत हम यहाँ पे आके मत्था टेकेंगे, तो हमने बिल्कुल देरी नहीं करी, क्योंकि अब ना ऐसी चीज़ों में हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे, जो चीज़ हम मांगेंगे वो तुरंत के तुरंत पूरी करेंगे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो हष्ट पुष्ट रहें और सारी दुख से ना दूर रहें। तो गाइस, मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद होता है यहाँ का, वो ये होता है कि जो लोग अब तक निज़ामुद्दीन नहीं पहुँचे वो ज़ियारत कर लें, दर्शन कर लें, और उनको अच्छे से पीस मिले, सुकून मिले। और क्या ना, भगवान देखो हर जगह है, आप वीडियोस में देख के भी दुआ मांगेंगे वो भी आपकी पूरी हो जाएंगी। और भाई हमारे पहुँच गए हैं यहाँ पे, बस सबके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानी को दूर फरमा। अरमान भाई भी जब भी आते हैं, भाभी आती हैं, इनके बच्चे भी, मतलब कोई भी आता है सबसे पहले जितने इनके फॉलोअर्स हैं, जितने इनके चाहने वाले हैं, सबके लिए सबसे पहले उनके लिए दुआ कराते हैं, उसके बाद आपके लिए अपने लिए दुआ कराते हैं। तो इनकी इतनी सारी दुआएं हैं, अभी ज़ियाद की तबीयत खराब हो गई थी, और जो हमारी सब्सक्राइबर हैं, जो हमारी आवाम है, उन्होंने इतनी दुआ करी है कि मेरा बेटा 6 से 7 दिन में घर आ गया। मतलब मेजर ऑपरेशन था, वो छोटा मोटा ऑपरेशन भी नहीं था। तो थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हो और ऐसे करते रहे। लो भैया, अभी थोड़ी देर में आपको एक कड़क आवाज सुनाते हैं, मनदीप भाई पहुँच गए पीरागढ़ी, मैं जा रहा हूँ मम्मी के पास, वहीं से मनदीप को उठाएंगे और सीधा पहुँचेंगे चंडीगढ़। तो तूबा को बता दो नानी का घर आ गया, तूबा तूबा को सरप्राइज मिलेगा है। नानी को पता है तू आ रही है? नानी को नहीं बता रहा, हमने नहीं बताया। चलो भैया पहुंच गए घर। तो फाइनली भैया मनदीप भाई पहुंच गए हैं कड़क आवाज के साथ, और मनदीप भाई बहुत देर से कैमरे को देख रहे हैं। मनदीप भाई, भाई कैमरा नया लिया आपने, क्वालिटी कैसी इस कैमरे की, क्योंकि आज फर्स्ट व्लॉगिंग है ना इससे फर्स्ट। और भाई से पहले मैं ससुराल पहुंच गया दोस्तों, अपने हरियाणा में, मतलब ससुराल। और भाई अब खतरनाक खतरनाक चीजें आने वाली है, मतलब लठगाड़ देंगे, लठगाड़ देंगे भाई जी। सोशल कहानियां देनी है जैसे कि आप पहले दिया करते हैं, जो समाज में चल रहा है ना, जो मेरे साथ है वो भी मैं कहानी के थ्रू बताऊंगा। कहानी के भाई इतना करो कि आदमी अपने औकात ना भूले, ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अनजान का घर दो अपनों को मत करना जिंदगी में, याद रखना हमेशा तुम्हारे पीठ में कंजर घोपेंगे। और बाबा सब ठीक चल रहा है घर में? ठीक ही चल रहा है। और बच्चे बुच्चे? बच्चे ठीक। कन्नु का है? कन्नु बात किया हुआ है। चीना भी? चीना भी। चीना का ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन नहीं, उसका भी करवाना है अभी, तो आशु है वो एक्सपायर हुआ है, तो भी थोड़ा घर का मोड़ कुछ ऐसे ही है। रुक क्या कराओगे? थोड़ा रुक के कराएंगे। तो मनदीप भाई को मैंने सुबह कह दिया था कि टाइम से पहुंच जाना दिल्ली, और मनदीप भाई अपने टाइम के पूरे पंचुअल है। पहले पीरागढ़ी पहुंचे, पीरागढ़ी से मैंने बताया कि यहाँ आ जाना तुम, मैंने बोला भाई मुझे ससुराल तो पता नहीं रास्ता, फिर मैंने पापा को बोला, पापा ने इनको एड्रेस दिया, और उसके बाद ये उड़ते हुए है ना मनदीप भाई। तो गाड़ी कौन सी लेने वाले मनदीप भाई अब की बारी? गाड़ी भाई जी आपकी मर्जी है, कौन सी दिलवाओगे आप? कोई बात नहीं, आपकी मनदीप भाई को खतरनाक से गाड़ी दिलवाएंगे, ठीक है मनदीप भाई? ओके रिपोर्ट। ओके रिपोर्ट है भाई, आपके पास ओके रिपोर्ट रहे? नहीं ओके रिपोर्ट कर देंगे अब की बारी। सुनो ध्यान रखो, जा रहा हूँ मैं तो। अरे मम्मी कल से ना घर से निकले हुए ना शाम से, वहाँ पहले लखन मत्था टेक लिया, लखन से मिल लिया, आपसे मिल लिया है ना भाई? चाची से मिलना था, पर चाची है नहीं। वो निक्की चाची से मिलने आए थे, ऑफिस चली गई है। चलो आज तो नहीं है। अच्छा मंदी भाई बात बताओ, जब भी तू दिल्ली आवे ये चीज मिस करा कर, खान पीन की चीज मिस करा कर, रोड मिस करा कर, और अगर चमकाना भाई मिस तो देखो जय अपना घर था जो चंदर भी आरुष ने भी करूँ मैं, तो काफी समय बिताया था वहाँ पे। और भाई छोले कुलचे जी तो भाभी पायल, भाभी छोले कुलचे खाया कर, पायल के तो दिल में रहेगी छोले कुलचे। मेरे को प्रेगनेंसी थी ना तब क्रेविंग होती थी छोले कुलचे की, और उस टाइम जो है मिलते नहीं थे, अब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे इतनी क्रेविंग नहीं है क्योंकि मैंने घर पे खाना खा लिया घर का। तो भाई अब करेंगे 250 किलोमीटर का सफर, सीधे उतरेंगे चंडीगढ़। भाई जी मेरी यह ख्वाहिश है कि आप ना 10 दिन लगातार हरियाणवी लैंग्वेज में व्लॉग बना सको। बिल्कुल बना सकूं यार, ये किसी बात की। अरे भाई साहब ये बोलने लगे आप, तो एक काम करेंगे आप दोनों बनावांगे हरियाणवी में। हाँ लठगाड़ देंगे भाई साहब। जब से बच्चे गाड़ी में घूमने लग गए ना, बच्चे देखो गाड़ी यहाँ से क्रच बना रखा है, पूछो मत। गाड़ी का ना तुमने ना बेटा घर बना रखा है घर। हाँ जी बाबा, ये भी तो मेरा दूसरा घर है। दूसरी वाली
हमेशा पायल कोई ना कोई लापरवाही करती है। अब भी इसने ऐसा ही किया है, होटल पे फोन बोला, ये चार्जिंग लगा के आई थी। अरे मैंने वहाँ पे दिया था यार, अभी याद आया मैंने फोन वहाँ। हम तो कुछ कहते नहीं है, चलो कोई बात नहीं भाई। तो भैया अभी अभी घर पहुंचे और घर पहुँच कर मैं मिला हूँ अयान से। अयान ठीक है। और अभी सूरज और मंदीप भाई को भेजा भैया फोन लेने के लिए, क्योंकि आपको पता ही पायल फोन होटल पे भूला ही है और उससे बात भी हो गई। वो कह रहा है ठीक है आप भेज दो। बोलो कैमरा कैसा लग रहा है? कैमरा बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैं खुद से ब्लॉगिंग करूंगी तो मुझे पता चलेगा। खुद से ब्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल है इसमें, ट्राई तो करने दो। हाँ अच्छा है, बहुत वाइड है, सही है, हाँ बहुत अच्छा है। इसकी कैमरा क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। ये चलाएगी? हाँ बिल्कुल चला लूंगी। तो गाइस आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। और निशू भाई को भी मैंने थोड़ा सा कैमरे का व्यू दिखाया। निशू तो देखो एडिटिंग में देख ही लेगा कैसा व्यू है। बाकी तू बता कैसा लग रहा है? बहुत शार्प क्वालिटी और वोकल क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग। ओके रिपोर्ट।